फ्यूचर में हम ऐसी वीडियोस और लेके आना चाहते हैं कंपैरिजन वाली, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा दबा देना, क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरे को ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महंगा फ्लेवर्स नहीं है, इट्स लाइक ठीक है, बस सिर्फ टिक्की और चीज सॉस है, दो चीजें हैं, बाकी प्याज और पत्तागोभी। उसके हिसाब से प्राइस मुझे बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। ये देखते हैं हम क्या है। ये है माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर साथ में दिया इन्होंने गाइस, हैंड क्लींजिंग जेल। ओह माय गॉड, ये सैनिटाइजर भी दिया बीच में। वाओ, सो इंप्रेसिव। हेलो फूडीज, स्वागत है आपका फूडी वी में। सो गाइस, आज की वीडियो में करने लगे हम फिर से कुछ अलग, अनोखा, डिफरेंट। मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे जो हम आज बनाने वाले हैं। बर्गर में कंपैरिजन करने लगे हैं और बर्गर की कंपनी सुनोगे तो आप भूल जाओगे, लगेगा अलग। ये कंपनी शायद दिल्ली वालों ने ही सुनी होगी, बर्गर सिंह। और बर्गर सिंह का कंपैरिजन किससे बेटर हो सकता है? बर्गर किंग। तो हम आज ये दो बर्गर ट्राई करेंगे और बताएंगे उनकी प्राइसिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग बढ़िया है, अंदर जाके सर्विस किसकी बेटर थी, कंप्लीट। तो इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि बर्गर किंग से जाएं खाने या बर्गर सिंह से जाएं। इसके कहने का मतलब है आप बर्गर सिंह जाएं या बर्गर किंग जाएं, सिंग्स किंग्स। और दोनों ही बर्गर वेज हैं क्योंकि ये दोनों वेजिटेरियन है। कंपैरिजन सिर्फ मैं करता अच्छा नहीं लगता। हमने जो ऑर्डर किए हैं बर्गर, जो इनके लाइक टॉप बर्गर हैं वेज में, हमने किया है आप लोगों को पता ही होगा वूप, ओके। एंड इसने किया है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, यस, सीरियसली नाम है बर्गर का। दैट्स अमेजिंग यार, पंजाब है तो उड़ता पंजाब। एक बार लोगों को, ओके, ये साइज देख सकते हो आप बर्गर उड़ते पंजाब में। इन्होंने वो तो डाला अफीम, अफीम पता नहीं भाई, नहीं नहीं अफीम नहीं, चिट्टा 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 वे, क्या पता लगता भाई, उड़ता हो जाए सारे ही मामला। इसके लिए लिखा हुआ है उड़ता पंजाब या कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन? अच्छा, इन्होंने मतलब कि एक ही डब्बा है जिसपे सारे बर्गर डाल देते हैं एंड फिर वो टेक वगैरह मार देते हैं जिसपे इन्होंने साथ में कुछ और भी दिया है। मुक्ति देखिए क्या है, ये है एक तो है टोमेटो केचप, ये ब्लू वाला, दिस इज ब्लू सिंग। ये देखते हैं हम क्या है। ये है माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर साथ में दिया इन्होंने गाइस, हैंड क्लींजिंग जेल। ओह माय गॉड, ये सैनिटाइजर भी दिया बीच में। वाओ, सो इंप्रेसिव। तो ये सच्ची मुझे बहुत अच्छा कांसेप्ट लगा, लाइक इसके अंदर ही सैनिटाइजर, पर अगर ये फट जाए और बर्गर पे सारा लीक हो जाए तो, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी। आई एम जस्ट अज्यूमिंग माउथ फ्रेशनर दिया बर्गर के बाद, इनको क्या लग रहा है इनका बर्गर स्वाद नहीं है, मे बी, क्या पता। तो गाइस ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम है, साइज सिमिलर है, देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, ब्रेड दोनों की सिमिलर है। अंदर क्या स्टफिंग है तुम्हारे में? मुझे लग रहा है वेंडर सिमिलर है इनके, नहीं थोड़ा अलग है। मेरे में पत्तागोभी थोड़ी ज्यादा है ऊपर है, एल्पिनो है, कट करके डाला हुआ है इन्होंने प्याज। हां, इसमें ऐसे तड़के टाइप का प्याज काटा हुआ है, दिखाना उधर, जैसे तड़के में हम प्याज डालते हैं वैसे प्याज डाले हुए हैं। एंड मेरे में लाइक रिंग्स है, अनियन रिंग्स है। बंद करते हैं अब, खा यार, अब तुम दोनों खा के बताओ यार। एल्पिनो भी है मेरे में, मेरे में पता नहीं, अभी खा के बताऊंगा मैं क्या क्या है। तो प्राइसिंग की पहले बात कर लेते हैं। मेरा 135 बर्गर किंग, 135 बड़ा बर्गर अच्छा है। बर्गर सिंह 210 रुपए, 210 का था यार, सेम साइज, हाँ, दिखने में भी सेम, हाँ, खा के पता लगेगा। बट इसके साथ ये था, अगर ये 200 का है तो ये साथ में आपको सैनिटाइजर दे रहे हैं, मतलब कि देखा जाए 135 अगर लगाए उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे है वो हैंड सैनिटाइजर के हैं और माउथ फ्रेशनर के हैं, क्योंकि अभी तक तो वही ज्यादा है। तो चलो टेस्ट करें। नहीं, मेरे में ऐसे एल्पिनो भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टिक्की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेस्ट, जिसकी वजह से बंदा बर्गर खाता है। ओ माय गॉड, मुझे इन दोनों को देख के मुंह में आ रहा है पानी। एक्सप्रेशन देखने वाले हैं गाइस, आप इनके एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। हाउ इज इट? अच्छा, इट्स गुड, काफी अच्छा। कैसा है भाई? मेरे को ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महंगा फ्लेवर्स नहीं है, इट्स लाइक ठीक है बस। ये देख, खा लिया अगर, ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्लेवर नहीं है? आई डोंट नो, मैं टिक्की भी खाई ऐसी बात नहीं की, कुछ मिस किया बीच में से। तेरा जो है ना क्वांटिटी वाइज में थोड़ा मेरे वाले से मोटा लग रहा है, पैटी हल्की सी मोटी लग रही है, आई डोंट नो।
मैं कैसा लगा? सिर्फ टिक्की और चीज़ सॉस है, दो चीज़ें हैं बाकी प्याज और पत्तगोभी। उसके हिसाब से प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बर्गर सिंह का बर्गर बहुत ही अल्टीमेट है, आप चाहे पूरा बर्गर ले लो 200 रुपए ले लो, चीज़ का स्लाइस तक नहीं है इसमें, चीज़ सॉस है ये सिर्फ। जो वो दूसरी वाली आती है, हाँ, मेयोनीज टाइप होती है, जो टाइप। यार नहीं, हम ऐसे टेस्ट करते करते सारा बर्गर खा लेंगे। बर्गर किंग का तुझे कैसा लगा? बर्गर किंग का बर्गर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, बट नहीं मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा पैटी जो है क्रंची है तो वो क्रंच फील होता है, बट बर्गर वर्थ इट है उस रेट पे। हाँ 135 में ये पूरा साइज बहुत अच्छा है, हाँ ये एक मील है और वो भी मील है, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव मील है, एक्सपेंसिव मील है। तो अगर देखा जाए कि कंपैरेटिवली कि 70-80 रुपए फालतू देने के मेरे को भी वजह नहीं लगती। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड पता क्या था कि बर्गर सिंह शायद सस्ता होएगा, क्योंकि बर्गर किंग एक बड़ी ब्रांड है, ज़्यादा आउटलेट्स हैं, सब कुछ है, मुझे लगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होएगा। बर्गर सिंह आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सस्ता होएगा, बट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। एंड रही बात डिलीवरी टाइम की, बर्गर किंग में रश था काफ़ी, बहुत उनको डिलीवर करने में लग गए थे, अराउंड 10 मिनट लग गए थे, 10 मिनट लग गए थे, बट वो रश था, बट था यार इतना रश है तो ऑब्वियसली। हाँ बर्गर सिंह में कोई रश नहीं था, बट इनको भी देते देते 10-15 मिनट लग गए थे, इतने ही लगे थे, मतलब डिलीवरी ऑलमोस्ट सेम थी, बट एक जगह पे रश था, बिजी थे तो टाइम लगा, एक जगह बिजी नहीं थे तो भी टाइम लगा, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम भी लगता है बनने में एंड एक्सपेंसिव भी ज्यादा। और टेस्ट भी कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप 200 ले लो, उनकी कस्टमर सर्विस भी नॉर्मल थी, और अंदर एसी भी नहीं चल रहा था, वॉशरूम भी नहीं था, वॉशरूम भी नहीं, हाथ धोने के लिए सिंक भी नहीं था अवेलेबल, सैनिटाइजर था पर सैनिटाइजर मतलब वैसे कह रहा हूं एवरीबॉडी इज नॉट कूल विद सैनिटाइजर, तो वही है, ठीक है। एंड रिजल्ट जो है आई थिंक बर्गर किंग श्योरली वेल, माना बर्गर सिंह अपना इंडियन है जो भी है, बट वही है, एक तो प्राइसिंग इतनी हाई रख के आप किसी को पहले तो कॉपी कर रहे हो, ऊपर से आप उसका कंपटीशन देने की बजाय उससे 2 गुना रेट रख रहे हो ऑलमोस्ट। कॉपी हम कह नहीं सकते क्योंकि मेन्यू में बर्गर माना कॉमन है, नेम की बात कर रहा था, लाइक वो बर्गर सिंह बर्गर किंग वो हाँ कॉपी नहीं है, रिजेंबल करते हैं, कॉपी तो नहीं है, क्योंकि कॉपी तब होता कि इनके यहाँ पे भी ऊपर या इसमें वापर लिख देते ऐसे कर देते तो कॉपी कहता, इट्स नॉट कॉपी, बट ये है कि वर्थ इट नहीं लगा। तो अल्टीमेटली जीतने वाली टीम है हमारी बर्गर किंग। सो इसी के साथ वीडियो हम करते हैं खत्म, फ्यूचर में जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करना मत भूलना, अगर आप इसे तेरी ऐसी की तैसी, मैं बात कर रहा हूँ अभी, ऑडियंस मुझसे बात करती है, चैंपियन से बात करना पसंद करती है ऑडियंस, चैंपियन ये है इधर ओकार यार कंपैरिजन कर रहे हैं, चैंपियन बर्गर किंग है अभी। फ्यूचर में हम ऐसी वीडियोस और लेके आना चाहते हैं कंपैरिजन वाली, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा दबा देना क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जल्दी देख सकते हो हमारी वीडियोस। So don't forget to comment, share and like. And guys, हमें Instagram पे follow करना बिल्कुल मत भूलना, foodie वी के okay, नाम से। करना हुआ कर देना, नहीं तो subscribe तो कर ही दो। लोगों को मुझे मेरी शक्ल देखनी है। Hi guys.